नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जी राजस्थान में। मैं आपके साथ खुशबू खान और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। बाड़मेर के कवास में प्लेन क्रैश होने की सूचना मिल रही है। जिप्सम हॉल्ट के पास प्लेन क्रैश होने की आ रही है सूचना। वायुसेना और पुलिस अधिकारी पहुंच रहे मौके पर। पुलिस अधीक्षक नरेंद्र सिंह मीणा मौके के लिए हुए रवाना। वहीं SDM और फायर ब्रिगेड की टीम भी मौके के लिए रवाना हो गई है। सोशल मीडिया पर प्लेन क्रैश का वायरल हो रहा है वीडियो। जी मीडिया नहीं करता वायरल वीडियो की पुष्टि, लेकिन ऐसी सूचना मिल रही है कि प्लेन क्रैश हुआ है। बड़ी खबर, बाड़मेर में प्लेन क्रैश होने की सूचना मिल रही है। ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, और ऐसे में ये सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है जो आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि जी मीडिया इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। वहीं सूचना ये भी मिल रही है कि कोई हताहत नहीं हुआ है इस हादसे में। पायलट भी सुरक्षित है, ये भी जानकारी मिल रही है। बड़ी खबर इस वक्त की आप देख रहे हैं, इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। SDM और फायर ब्रिगेड की टीम मौके के लिए रवाना हो गई है। प्लेन क्रैश होने की जानकारी मिल रही है, सूचना मिल रही है। फाइटर प्लेन है ये, ऐसी सूचना भी आ रही है। बांद्रा गांव के पास गिरा है प्लेन, तमाम जानकारी लगातार आ रही है, जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। बड़ी खबर आप देख रहे हैं, वायुसेना और पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंच रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, तमाम जानकारियां सामने आने लगी हैं। बाड़मेर में प्लेन क्रैश हुआ है। भूपेश आचार्य मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। भूपेश, क्या अपडेट मिल रहा है? जी बिल्कुल, जो प्लेन क्रैश हुआ ये तो अपने आप में बड़ी खबर और दुखद खबर है, लेकिन जो इसमें गनीमत की खबर आई वो दो खबर निकल के ये आई। एक तो प्लेन जो जहाँ क्रैश हुआ है वो एक सुनसान एरिया है, एक खेत है, खेत के अंदर क्रैश हुआ, तो उसमें किसी भी तरीके की जान माल का नुकसान नहीं हुआ। दूसरा, बाड़मेर SP ने अभी कुछ ही देर पहले बताया कि जो प्लेन का जो पायलट था वो सुरक्षित है। अब वो किस तरीके से है, कैसे है, कहाँ पर है, और जो दूसरी एक जानकारी निकल के आई, क्योंकि एक रूटीन की उड़ान में था, क्योंकि एयरपोर्ट की दो तरीके की उड़ान होती है अगर आप इसको समझें तो, एक तो दिन की उड़ान होती है, एक नाइट की उड़ान होती है। ये अपनी नाइट की जो रूटीन शॉर्टी होती है उस पर निकला था, और वहीं पे रूटीन अभ्यास के दौरान ये प्लेन क्रैश हुआ है। अब इस पूरे मामले में जो चीज है वो बात कौन सा प्लेन था, क्योंकि कुछ ही समय पहले एयरफोर्स ने किस तरीके का एक अपना ऑफिस में अनाउंसमेंट किया था कि मिग जो प्लेन है उसको उत्तरलाई एयर बेस से पूरी तरीके से हटा दिया गया है। तो ऐसे में अगर मिग को हटा दिया गया है तो वहां कौन सा प्लेन था, क्योंकि जब तक कोई जानकारी नहीं आती तो ऐसे में बहुत ही प्रारंभिक तौर पर गलत जानकारी हो जाएगी किसी भी दूसरे प्लेन फाइटर प्लेन का नाम लेना। हालांकि जो SP है, क्योंकि उनका सोशल मीडिया पर ऐसी खबरें उड़ रही हैं, हालांकि हम इसकी पुष्टि नहीं करते क्योंकि जब तक आधिकारिक ना हो जाए कि फाइटर प्लेन है ये जो क्रैश हुआ है बाड़मेर में उत्तरलाई एयरबेस के पास में। जी बिल्कुल, इस पूरे मामले को लेकर जो बात की जा रही है, जो अधिकारी उनका ये कहना है जो प्लेन है ये फाइटर है, और कौन सा फाइटर और किस तरीके का प्लेन था इस प्लेन में, क्योंकि आमतौर पे हम लोग एयरफोर्स में कवर करते रहते हैं इस प्लेन में एक पायलट था या दो पायलट थे, कितने पायलट्स का ये प्लेन था, और पायलट जो थे उसमें सीनियर और जूनियर कौन था, कोई ट्रेनी था या कोई सीनियर आदमी था, ये तमाम तरीके की जानकारी, क्योंकि एयरफोर्स डिफेंस के मामले के हिसाब से थोड़ा सा सेंसिटिव है, तो ऐसे में वो जानकारी साझा करते हैं, बहुत लंबा टाइम लगाते हैं, तो इस तरीके से किसी भी तरीके की कोई गलत जानकारी या इस तरीके की कोई बात को निकालना थोड़ा सा जल्दबाजी हो जाएगा। लेकिन जो गनीमत की बात, जैसा कि जो पुलिस के अधिकारियों ने कंफर्म करी है, वो ये है कि भाई प्लेन का जो पायलट है वो सुरक्षित है, और जहां पर भी वो क्रैश हुआ है वो जो जगह है वो आम जो बस्ती है, जो आबादी क्षेत्र है उससे दूर है। तो ऐसे में ये एक सबसे बड़ी गनीमत की बात है कि क्योंकि अगर ये प्लेन क्रैश होता है तो ऐसे में वो बहुत लंबा रेडियस होता है जहां पे इसका मलबा और इसकी तबाही मस्ती है, तो वो बच गए, क्योंकि बाड़मेर में जिस तरीके से एरिया है उस तरीके से जो लोग होते हैं, चितराई भी जगह है और वहां पे जमीन जो लैंड है वो बहुत ज्यादा है, तो ऐसे में इस बात की गनीमत रही जो कि इन सभी चीजों को लेकर। इस फाइटर प्लेन में कितने लोग थे, कुछ ऐसी जानकारी मिल पाई है, पायलट और को पायलट समेत कुल कितने लोग थे, क्योंकि ऐसी जानकारी है पायलट ने क्रैश से पहले इजेक्ट कर लिया था और इस वजह से जान बच गई, ऐसी भी सूचनाएं मिल रही है।
जी बिल्कुल, पायलट ने समय रहते, क्योंकि पायलट को पहले ही इस बात की जानकारी मिल चुकी थी कि जो प्लेन है क्रैश होने वाला है। तो क्योंकि पायलट आमतौर पर जैसा कि देखते हैं, पायलट इस बात की पूरी अपनी जान जोखिम में डालता है कि भाई किसी भी तरीके का कोई जान माल का नुकसान ना हो, क्योंकि नीचे जो आबादी क्षेत्र है उससे वो हमेशा दूर क्रैश कराने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे में इस बात का ध्यान रखा जाता है कि किसी भी तरीके की कोई भी जो बस्ती का एरिया है वो नहीं हो। इस पूरे मामले को लेकर जो एयरफोर्स के सामने और जांच का जो विषय है वो ये है कि जो ये प्लेन जहाँ क्रैश हुआ वहां से बहुत ही नजदीकी जगह पे ही एयरफोर्स का स्टेशन भी है, और ऐसे में क्योंकि वो वहां नहीं पहुंच पाया इसी वजह से उसने इस प्लेन को यहाँ क्रैश करवाया और सारी चीजें कराई, क्योंकि कोई ना कोई ये जहाँ क्रैश हुआ है वहाँ कोई सरकारी स्कूल भी है, ऐसा भी कुछ जानकारी? क्योंकि आमतौर पर जो बस्ती है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले बताया इसका जो मलबा होता है वो बहुत लंबे रेडियस में फैलता है, तो इस वजह से हो सकता है कि वहाँ पे किसी भी तरीके की सरकारी स्कूल भी हो, और ये सारी चीजें उसी हिसाब से अभी कुछ ही समय पहले कुछ तस्वीरें जो एक्सक्लूसिव तस्वीरें जी राजस्थान को मिली है, जिसमें पायलट में और सॉरी माफ कीजिएगा प्लेन में आग लगते हुए और जो लोग वहां पे पहुंचे जो रेस्क्यू कर रहे हैं वो तस्वीरें कुछ ही देर में आप टीवी स्क्रीन पे देख पाएंगे। ये तस्वीरें भूपेश, आप अपनी बात पूरी करें, एक बार अपने दर्शकों को ये जानकारी दे दें, ये तस्वीरें दिखा दें। जी राजस्थान एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहा है, इन एक्सक्लूसिव तस्वीरों में आप ये प्लेन को जलता हुआ देख रहे हैं, धुआं उठता हुआ देख रहे हैं, ये प्लेन इसकी पुष्टि हो गई है और ये वीडियो जो वायरल हो रहा था और अब उस वायरल वीडियो की पुष्टि हो गई है, प्लेन क्रैश हुआ है। लेकिन गनीमत रही कि पायलट ने सूझबूझ दिखाई और उसने इजेक्ट कर लिया समय रहते, सुरक्षित है पायलट भी। और ये बता दें कि बाड़मेर में उतरलाई एयरबेस के पास में फाइटर प्लेन क्रैश हो गया, ऐसी सूचना है। सूचना मिलने पर पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे, पायलट ने क्रैश से पहले इजेक्ट कर लिया, फाइटर प्लेन रहवासी ढांडी से दूर जाकर क्रैश हुआ है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। तो वहीं आपको बता दें कि मनानियों की ढाणी स्थित सरकारी स्कूल के पास ये हादसा हुआ, पायलट ने सुरक्षित एग्जिट कर लिया था, ये बड़ा अपडेट है। मेरे सहयोगी भूपेश लगातार हमारे साथ बने हुए। भूपेश, कौन कौन सी टीम मौके पर पहुंच गई है और पहुंचने वाली है? जी बिल्कुल, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था ये जो जगह है एयरफोर्स स्टेशन के नजदीक ही है। जैसे अभी आप दर्शकों से बात करें तो क्योंकि हम जहाँ से निकले एयरफोर्स स्टेशन से निकले तो यहाँ पे बहुत तेजी से मूवमेंट हो रहा है, फायर ब्रिगेड एम्बुलेंस तमाम तरीके की जो रेस्क्यू टीम्स है वो वहाँ पे पहुंची है, और एयरफोर्स का बड़ा अमला वहाँ पहुंचता है जो इस पूरे एरिए को कॉर्डन ऑफ करता है। अगर आपकी बात करें तो इसमें कम से कम इस पूरे का जो सर्च ऑपरेशन लगभग दो दिन तक ये चलेगा, क्योंकि जो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि इसका जो मलबा है उसका रेडियस जो होता है बहुत लंबे एरिया में फैलता है, जिसको अगर आप बात करें तो किलोमीटर्स में दूर दूर तक जाता है। क्योंकि इस प्लेन का क्रैश होने के पीछे हर एक प्लेन का जो पार्ट जो इसमें क्रैश होने के बाद जो जमीन पे गिरा वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ताकि इसमें पता लगा जा सके कि लास्ट समय तक प्लेन में क्या खराबी आई और किस वजह से पायलट, क्योंकि इतने नजदीक एयरबेस होने के बावजूद भी उसको वहां लैंड नहीं करा पाया, तो ऐसे में क्या दिक्कत आई और किस तरीके की जो समस्या आई, ये तमाम बातें जो है ये अपने आप में जांच का विषय है एयरफोर्स के लिए। क्योंकि जैसा कि जो एयरफोर्स को कवर करते जाते थे उस समय ही पता लगा था कि मिग को बाड़मेर एयरबेस जो कि उतरलाई का वहां से हटा दिया गया। आप ही सुन पा रहे होंगे एम्बुलेंस की और फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियां लगातार जाती है यहाँ पे, और क्योंकि प्लेन में जैसा कि आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं प्लेन की जो आग होती है बहुत लंबी होती है, क्योंकि उसमें फ्यूल भी होता है, कई सारी तरीके की चीज होती है, तो उस तमाम चीजों को रेस्क्यू करने के लिए ताकि किसी भी तरीके का जान माल का नुकसान ना हो और किसी भी तरीके का जो आम जनता और ग्रामीण वहां पे रह रहे हैं उनको कोई नुकसान ना हो, इन तमाम बातों को ध्यान रखते हो, क्योंकि एयरफोर्स स्थानीय पुलिस स्थानीय प्रशासन और स्थानीय लोग सभी लोग जुटे हैं ताकि जल्दी से रेस्क्यू किया जा सके, और साथ ही जो पायलट है उसको भी जैसा कि एसपी ने बताया कि वो सुरक्षित है तो उसको मेडिकल ट्रीटमेंट, क्योंकि बहुत बड़ा और बहुत तेजी से शॉक होता है तो ऐसे में उनको मेडिकल जो एड है वो तुरंत से तुरंत मिले, और वहां अगर मान लो कोई दिक्कत है तो जो नजदीकी जोधपुर या जो भी बाई एयर उनको कहीं भी अगर शिफ्ट करना पड़े तो उनको किया जा सके। तो तमाम तरीके की जो रेस्क्यू टीम होती है एयरफोर्स की वो मौके पर पहुंच चुकी है ताकि किसी भी तरीके का जो हादसा हो चुका है अब इससे और किसी तरीके का और कोई नुकसान ना हो और कोई हानि ना हो, इन तमाम बातों का ध्यान में रखते हुए एयरफोर्स प्रशासन और पुलिस सभी लोग मौके पे पहुंच चुके हैं ताकि किसी भी तरीके की जो भी घटना हुई उसको कंट्रोल में किया जा सके और कम से कम नुकसान को हो। जी खुशबू, क्या वहां पर लोगों की भीड़ भी जमा होनी शुरू हो गई है और कोई नुकसान ना हो जाए उन्हें दूर करने की कोई कोशिश की जा रही है?
जी बिल्कुल, लोगों की भीड़ इसलिए जमा हो जाती है क्योंकि प्लेन क्या जब क्रैश होता है तो आसमान में बहुत तेज आवाज होती है और बहुत तेज आग के गोले की तरह गिरता है। तो ऐसे में क्योंकि आमतौर पर बाड़मेर में जो घर है वो बहुत छितरा है, शाम के समय में जैसे अंधेरा होता है तो वो लोग घरों में अपने घरों में सोने के लिए चले जाते हैं। तो जिस तरीके से आवाज और जिस तरीके से रोशनी जो धमाका हुआ है तो आसपास के जितने भी लोग, तमाम लोग मौके पर पहुंच गए क्योंकि एयरफोर्स यहाँ लंबे समय से, तो एयरफोर्स के पास अपना पूरा जाब्ता, साथ ही अगर पब्लिक को और स्थानीय लोगों को कंट्रोल करने की बात आती तो वहाँ पे स्थानीय पुलिस है जो थाने वो उसके अलावा बाड़मेर पुलिस से जो लाइन का अतिरिक्त जाप्ता है उसको भी मौके के लिए रवाना कर दिया ताकि पब्लिक को उस जगह से दूर किया जा सके। वहाँ पूरा कॉर्डन ऑफ किया जाता है ताकि किसी भी तरीके का कोई आम व्यक्ति वहाँ नहीं जाए, कोई भी जलता हुआ पार्ट उसमें कोई स्पार्क हो सकता है, कुछ और हो सकता है क्योंकि प्लेन जो है वो फाइटर है। तो फाइटर प्लेन में कई सारी चीजें ऐसी होती है जिसको आम आदमी की जिसकी समझ से परे होती है और उसके लिए उसका आभास करना भी मुश्किल होता है कि जो पार्ट है इसको किस तरीके का नुकसान हो सकता है। तो ये तमाम जो बातें हैं इन बातों को ध्यान में रखते हुए एयरफोर्स और पुलिस का वहाँ माकूल व्यवस्था है ताकि किसी भी तरीके से पब्लिक उस जगह पे नहीं जाए। एयरफोर्स के जो अधिकारी जो तकनीकी टीम है वो इस पूरे चीज की जानकारी और मामले की छानबीन कर सके ताकि किसी तरीके की कोई दिक्कत ना हो। जी कुछ भी ठीक है भूपेश, आप हमारे साथ बने रहिए। ये तस्वीरें एक बार अपने दर्शकों को फिर से दिखाएं। देखिए ये तस्वीरों में आप देखिए किस तरह से धू-धू करते हुए ये प्लेन नजर आ रहा है। और ऐसे में जानकारी है बाड़मेर में उतरलाई एयरबेस के पास में फाइटर प्लेन क्रैश हो गया। सूचना मिलने पर पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। पायलट ने क्रैश से पहले इजेक्ट कर लिया था और सूझबूझ दिखाई जिससे जान बच गई। फाइटर प्लेन रहवासी ढाड़ी से दूर जाकर क्रैश हुआ है। SP नरेंद्र मीणा ने बताया कि फाइटर प्लेन क्रैश हुआ है अनानियों की ढांडी स्थित सरकारी स्कूल के पास। ये हादसा हुआ, पायलट ने सुरक्षित एग्जिट कर लिया था। अब मौके पर जांच हो रही है, जांच होगी, रिपोर्ट भी तैयार होगी, फिर पता चलेगा ये हादसा कैसे हुआ, कैसे क्रैश हुआ। ये पायलट भूपेश मेरे सहयोगी लगातार बने हुए। भूपेश, हम बात कर रहे थे स्कूल के पास, सरकारी स्कूल के पास ये हादसा हुआ है क्या, क्योंकि देखिए रात का वक्त है तो बच्चे भी स्कूल में नहीं थे, अपने घर में थे, गनीमत ये रही। जी बिल्कुल, जो है वो ढाणी है, कोई जिसको यहाँ पे घर को ढाणी कहा जाता है, उस ढाणी का जो खेत है उस खेत में हुआ। क्योंकि जैसा स्कूल जो बताया जा रहा है, क्योंकि हम लोग भी मौके पे पहुंच ही रहे रास्ते में ही है, तो उसका हो सकता है मतलब कोई ऐसा पार्ट हो तो स्कूल की बाउंड्री के नजदीक गया। क्योंकि जैसा कि पहले जो अधिकारियों ने इस बात की पुष्टि करी थी कि भी किसी भी रेजिडेंशियल एरिया और आवासीय एरिया के आसपास नहीं गिरा है, तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि इसका जो मलबा होता है एक बार क्रैश होने के बाद तो उसका एरिया जो होता है बहुत लंबा होता है और वो किलोमीटर्स में फैल जाता है क्योंकि बहुत तेजी से ये ऊपर से गिरता है सारी चीजें। और इसमें जब ब्लास्ट होता है तो वो धमाका अपने आप में इतना तेज होता है कि जैसे ही ग्रामीणों से जो बात हुई उनका ये कहना है कि जो किलोमीटरों तक दूर तक ये धमाका सुनाई दिया और एक फाइटर प्लेन था और ये बहुत तेजी स्पीड से होता है। तो ये तमाम तरीके की बातें, तो स्कूल के पास हो सकता है ये मलबा पहुंच गया हो, लेकिन क्योंकि रात का समय है तो ऐसे में कोई चिंता की बात नहीं है कि भाई वहां पे किसी तरीके कोई नुकसान या कोई जनहानी हुई होगी, क्योंकि रात के समय में स्कूल नहीं होता कोई। और क्योंकि पुलिस के अधिकारी और प्रशासन के अधिकारी इस बात को कंफर्म कर चुके हैं कि किसी भी तरीके के जान माल और स्थानीय जो लोग हैं उनकी किसी भी तरीके की कोई हानि नहीं है। इवन हम लोगों ने ये भी पूछा क्योंकि आमतौर पर मौसम इस तरीके से तो अपने मवेशी और जानवर भी लोग बाहर बांधते हैं, तो हमने इस बात की भी पुष्टि करी कि अगर किसी जानवर या कोई और कुछ, तो उनका कहना अभी तक फिलहाल हमारे पास जो जानकार जो स्थानीय पटवारी और जो SHO और जो स्थानीय लोग हैं उनसे और ग्राम सेवक और सरपंच से जो बात हुई उनका ये कहना है कि किसी भी तरीके की अभी तक किसी जान माल के नुकसान की कोई सूचना नहीं है। और मौके पर रेस्क्यू टीमें पहुंच चुकी है, प्रशासन की, फायर ब्रिगेड, जिला प्रशासन की, एयरफोर्स की, क्योंकि एयरफोर्स के पास भूपेश मैं आपको रोकना चाहूंगी। हमारे साथ कर्नल देवनंद गुर्जर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर आपका स्वागत है। सर ये हादसा हुआ है राजस्थान में, एक बड़ा हादसा हो गया बाड़मेर में, फाइटर प्लेन क्रैश हो गया, ये सूचना अब तक पहुंच गई होगी। ये हादसा जो हुआ है इसके पीछे के कारणों की तो खैर अभी जांच होगी, हादसे को लेकर सर क्या आप कहेंगे, क्या जानकारी आपके पास पहुंची है? जी मैं इस हादसे के लिए सबसे पहले तो दुख प्रकट करना चाहूंगा कि ऐसा हादसा नहीं होना चाहिए, पर जैसे आपने खुद ने बताया कि ऐसे हादसे अब जब इंक्वायरी होती है तभी पता लगेगा, पर जैसा अभी ज्ञात हो रहा है जान माल का नुकसान नहीं हुआ जो एक अच्छी बात है, और जिस प्रकार से प्रशासन और सेना और सुरक्षा के सारे इसमें एक्टिव होकर के अभी कार्रवाई कर रहे हैं मैं उसको एक अच्छा कदम मानता हूँ। जहां तक खबर की ताल्लुक है, देखिए कि ये जो अभी जो क्रैश की जो खबर आ रही है वो मेरे ख्याल से सामान्य ट्रेनिंग शॉर्टेज है,
और उसके अंदर ऐसा होना वैसे तो गलत है, बट कोई मैं ये नहीं देख रहा हूँ कि किसी प्रकार से दुश्मन या कोई भी किसी चीज का हो सकता है इसके अंदर हाथ। पर ये बड़े दुखद बात है, हमें इस चीज पर जोर देना पड़ेगा कि जब भी इस तरह फाइटर एयरक्राफ्ट का जो एक्सीडेंट्स होते हैं उसमें एक एक मशीन के साथ साथ जो ज्यादा जरूरी चीज होती है देश के लिए पायलट होते हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि पायलट को तैयार करने में बहुत लंबा समय लगता है, और पायलट एक ऐसी हमारी रेयर कमोडिटी है हमारे पास, उसको बहुत समय लगता है तैयार करने में, ट्रेनिंग में। तो ये चिंता का विषय तो देखिए हम सबके लिए है। गनीमत रही लेकिन सर कि पायलट ने इजेक्ट कर लिया था और पायलट की जान बच गई सूझबूझ से। जी जी, ये सही बात है। देखिए जब भी ऐसे हादसे होते हैं तो आजकल जो एयरक्राफ्ट है उसमें इनकी सेफ्टी का ध्यान रखा जाता है, और पर देखिए जब इजेक्ट हो जाते हैं उसके बाद भी, अगर मैं जहां तक पायलट की बात करूं आपसे, इजेक्ट करते हैं तो इतना हाई स्पीड पर होता है कि जो बॉडी की इनकी ट्रेनिंग होती है उसमें किसी न किसी प्रकार के फिटनेस के अंदर कमी आती है, और जब ये इजेक्ट होकर के नीचे जब आते हैं तब आते आते समय भी उनको कई बार चोटिल हो जाते हैं, तो ये एक गंभीर और कठिन परिस्थिति होती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ बिल्कुल सही सलामती होंगे, ऐसा मेरी प्रार्थना है, ऐसी मेरी उम्मीद करता हूँ मैं इस विषय पर। बिल्कुल, हम भी उम्मीद करते हैं, जैसे अपडेट आएगा वो हम आपको बताएंगे, तमाम दर्शकों को बताएंगे। लेकिन सर इस हादसे के पीछे प्लेन क्रैश आए दिन इस तरह की खबरें सामने आती हैं, क्या कारण हो सकता है इस हादसे के पीछे? देखिए मैंने जैसे कहा कि ये एयरफोर्स के जिस प्रकार ये हुआ है इट मे बी टू अर्ली, अभी कहना बड़ा कठिन होगा, पर विभिन्न कारण हो सकते हैं। जैसे सबसे पहला एक कारण इसके अंदर ह्यूमन एरर बताया जाता है किसी भी इस तरह के हादसे में। दूसरा हो सकता है टेक्निकल एरर हो सकता है, जो इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह में मशीन में फॉल्ट हो सकता है, वेदर के अंदर वेदर खराब होने के कारण, पर ये इतने हाई टेक्स है इनमें वेदर का वैसे फर्क कम पड़ता है, कई बार लाइटनिंग है और प्रकार के जो हैजार्ड्स होते हैं फ्लाइंग में उनके कारण भी हो सकता है। तो कारणों की जांच के बाद ही पता लग पाएगा क्या कारण हो सकते हैं। मैं वैसे जिस प्रकार से हमारे एयरफोर्स का रिकॉर्ड है, मैं ऐसा मानता हूं कि एक हमारी वेल ट्रेन्ड फोर्स है और जिस प्रकार से सारे लोग प्रोफेशनल तरीके से काम करते हैं, हादसे होना जैसे मैंने कहा दुखद है, लेकिन फिर भी हमें ये कारण कुछ भी हो थोड़ा जब इंक्वायरी के बाद ही पता लग पाएगा, और उसका हमें इंतजार भी करना चाहिए। बस ये कह सकते हैं कि जब तक सब लोग सुरक्षित हैं, और एयरक्राफ्ट क्रैश में ऐसा नहीं है कि मशीन का नुकसान एक बात है, बट पायलट की सेफ्टी और उसके अलावा जो सेफ्टी होती है जो जमीन के ऊपर फाइटर हमारे नागरिक प्लेन होते में कितने लोग बैठ सकते हैं? देखिए क्योंकि ये जानकारी तो मिल रही है पायलट ने इजेक्ट कर लिया था, उनकी जान बच गई, बाकी कोई और भी हो सकता है, अभी इसकी सूचना नहीं मिली है, कितने बैठ सकते हैं इस पायलट? ये तो सूचना के ऊपर जब तथ्य अभी आएंगे पता लगेगा। तो पर जो मैं आपको जरूरी बात बता रहा था वो ये है कि ऐसे टाइम पर जब हादसे होते हैं तो जमीन के ऊपर जब एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट होकर के गिरता है तो आप देखिए उसमें हजारों लीटर गैसोलीन होता है, वो एक तरह बॉम्ब की तरह होता है, और नीचे गिरने पे आग लगते ही जिस प्रकार से वो एक डेंजरस चीज होती है, तो उस इलाके में इर्द गिर्द कोई भी जान माल का नुकसान है, इंसान का भी हो सकता है, घर का भी हो सकता है, उसके अलावा फॉरेस्ट एरिया भी आ सकता है, बहुत सारी चीजें होती है। तो जो अभी तक खबर मिल रही है उसमें यही है कि अभी ऐसा कोई नुकसान नहीं हुआ है, ऐसा अभी तक ज्ञात है। ठीक है सर, आप मेरे साथ बने रहिए, लेकिन हम ना खबर पर अपडेट भी ले रहे हैं, मेरे सहयोगी भूपेश आचार्य लगातार अपडेट दे रहे हैं, एक बार अपडेट उनसे ले लेते हैं। भूपेश आपके पास कोई नया अपडेट? नहीं, फिलहाल वही जानकारी जो कुछ है सारी चीजें, क्योंकि वहाँ पे रेस्क्यू की टीम्स पहुंच चुकी है, रात का समय है तो अंधेरा, तो ऐसे में वहाँ पे जो लाइट्स की व्यवस्था, क्योंकि एयरफोर्स इस तरीके की पहले से ट्रेंड फोर्स है, उनके पास सारे इक्विपमेंट होते हैं, और जो तला एयरबेस है वो काफी लंबे समय से पुराना है, तो सब तमाम तरीके की रेस्क्यू, और इसमें कई सारी चीजें जिनका ऑन एयर नाम लेना थोड़ा सा वो सुरक्षा के लिहाज से सेंसिटिव है, तो ऐसे कई सारे इक्विपमेंट होते हैं जिनको
पहले ही प्राइमरी फेस ही इनका ये होता है कि पायलट को सुरक्षित रेस्क्यू करके उसको मेडिकल एड के लिए भेज दिया जाए। उसके बाद जो उसमें कई तरह के चीजें होती है, जो इनका लास्ट ट्रांसमिशन होता है, जो बातचीत होती है, किस स्टेशन से कहाँ पे क्या बातचीत हो रही थी, और पायलट आप इस बात को मान के चलिए पायलट ने जिस जहाँ पे भी एटीसी में उसकी बात हो रही होगी तो उसने उसको जरूर बात करके बताया होगा कि प्लेन की ये स्थिति है और इस तरीके से, क्योंकि जहाँ पे प्लेन क्रैश हुआ है जैसा कि मैंने पहले बताया था जब प्रारंभिक जानकारी आई थी, वो जो जगह है बाई रोड मुश्किल से 20 किलोमीटर होगी, तो ऐसे में उसका एरियल जो डिस्टेंस है वो अपने आप ही कम हो जाता है। आप इस बात को सोचिए कि जो पायलट था उसमें इतनी बड़ी तकनीकी खामी आई होगी कि वो इतने कम एरियल डिस्टेंस को भी तय नहीं कर पाया और उसको प्लेन को क्रैश करवाना पड़ा, और उसने इस बात की भी सूझबूझ दिखाई कि वो ऐसी कहीं सुनसान जगह पे कराई ताकि किसी भी तरीके से जो स्थानीय लोग हैं नीचे जो ग्रामीण है रहते हैं उनमें किसी तरीके को जान माल का नुकसान नहीं हो, किसी भी तरीके की कोई हानि न हो, न किसी मकान या किसी सरकारी बिल्डिंग, ऐसी कई सारी चीजें होती है। कोई नया अपडेट आएगा तो आपसे लेंगे। कर्नल साहब आपने सुना, देखिए यहाँ पर खैर आपको बेहतर जानकारी है, यहाँ पर पायलट ने बहुत सूझबूझ दिखाई और ऐसे स्थान पर ये प्लेन क्रैश कराया जहां पर आबादी नहीं थी। बता रहे हैं हमारे साथी, ये एक हमारे एयरफोर्स की ट्रेनिंग का ही मैं कहूंगा कि जैसे जो हमारे पायलट्स होते हैं वो एक बहुत ही हाई दर्जे के, जैसे मैं पहले कह रहा था, रेयर कॉमोडिटी है। और जब ट्रेनिंग हम लोग करते हैं तो उसके अंदर दो चार चीजें देखो, सेफ्टी सबसे पहले तो मशीन को सही जगह ले जाना, बिकॉज ये फ्लाइंग मशीन होती है, और जैसे ये बता रहे हैं कि बहुत नजदीक के डिस्टेंस पे ये एक्सीडेंट हुआ है और क्रैश हुआ है, तो अब वो जानकारी के बाद मिलेगा। पर ये बात सही है इन्होंने कि हमें पायलट की सूझबूझ की सराहना करनी पड़ेगी कि जिस प्रकार से उन्होंने बिल्टअप एरिया जिसको यानी कि जहां पॉपुलेशन होती है उससे दूर ले जा करके अपनी सूझबूझ से उसको ले जाने में, डेविएट करने में सफलता हासिल की, खुद भी सेफली इजेक्ट हुए हैं। कितने सेफ है वो तो हॉस्पिटल जाने के बाद पता लगेगा। और एक चीज और है, जब भी ट्रेनिंग सॉर्टीज नाइट को चलती है तो पूरा एयरफोर्स और जो सिस्टम होता है सेफ्टी, एक्सीडेंट मैनेजमेंट, क्रैश मैनेजमेंट और इस तरह के, वो पूरी तरीके से एक्टिव रहते हैं, और आई एम श्योर वो अभी इसके ऊपर पूरा कार्रवाई कर रहे होंगे। एक चीज जो अभी बता रहे थे कि भाई जब पायलट टेक ऑफ करता है तो एटीसी से जो उनका कम्युनिकेशन होता है उसके अंदर हर प्रकार का कम्युनिकेशन चलता है, तो ये चीजें आजकल इतना हाईटेक सिस्टम है जिसमें हमें पता लग जाएगा जल्दी ही कि भाई क्या कारण रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन का इंतजार करना चाहिए। कर्नल साहब, एक ब्लैक बॉक्स कहा जाता है, क्या वो फाइटर जेट में उसके उसी से क्लियर होंगी सारी चीजें? जी देखिए, जो ब्लैक बॉक्स की जो बात है वो सारा रिकॉर्ड उसी में होता है। वो इस तरह की एक चीज होती है जो हर एयरक्राफ्ट के अंदर एक इंस्ट्रूमेंट डाला जाता है, जहाँ जो भी एयरक्राफ्ट की एक्टिविटीज है, लाइक मशीन की एक्टिविटी है, ऑल्टीट्यूड है, वेरियस पैरामीटर्स होते हैं, लास्ट कम्युनिकेशन है, किस तरह क्या क्या बातचीत हुई, तो सारी उसमें चीज उपलब्ध होती है। और क्योंकि ब्लैक बॉक्स का खतरा तब होता है नहीं मिलने का, तब जबकि आप दुश्मन टेरिटरी में एयरक्राफ्ट हो या कोई समुद्र के ऊपर से फ्लाई कर रहा हो जो अंडर वाटर चला जाए तो रिकवर करने में मुश्किल होता है। और क्योंकि हमारे ओन फ्रेंडली एरिया में है, ओन हमारा बिल्टअप एरिया नहीं है, तो ये चीज जो भी हम इन्वेस्टिगेशन की बात करते हैं, एक तो ह्यूमन जब हमारे पायलट सेफ है तो उनका जो इनपुट रहेगा वो सबसे इम्पोर्टेंट रहता है, और उसके बाद जो उसको जब कॉरोबरेट करते हैं तो ब्लैक बॉक्स के जरिए किया जाता है। तो ये ब्लैक बॉक्स एक अहम हिस्सा है, अहम हमारे पास प्रूफ होगा जो क्या हुआ उसकी छानबीन करने में और इस नतीजे पे निकलने के। कर्नल साहब, इस केस में मान के चलिए ब्लैक बॉक्स इधर उधर नहीं हुआ होगा, वो आसानी से मिल जाएगा। हाँ, वो आसानी से, वो अपनी ओन टेरिटरी में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, मेरा ऐसा मानना है। ठीक है, आप हमारे साथ जुड़े, आपने बातचीत की, तमाम जानकारी साझा करी कि क्या होता है, कैसे हो सकती चीजें। बहुत बहुत शुक्रिया कर्नल साहब आपका। मेरे सहयोगी भूपेश लगातार बने हैं। भूपेश, ब्लैक बॉक्स अब वो ढूंढा जाएगा जिसमें सारी जानकारी होगी, जिसमें सारी जानकारी फीड होती है, और पायलट को लेकर कोई अपडेट की उनकी स्थिति कैसी है? जी बिल्कुल, अभी पायलट को लेकर जो बात है वो एक ही लाइन की, जो डिफेंस के कुछ सोर्सेस उनका ये कहना है कि पायलट सेफ, और जो अभी प्लेन का जो नाम निकल के आया, हालांकि वो ये सोर्सेस के हवाले से खबर आ रही है कि जो फाइटर प्लेन बताया जा रहा है, MiG-29 बताया जा रहा है, MiG-29 प्लेन, ये सूत्र बता रहे हैं। अभी
जी बिल्कुल, जो डिफेंस के सोर्स हैं, क्योंकि वो अभी तक जब तक उनका ये कहना है कि जब तक ऑफिशियली दिल्ली से कंफर्मेशन और इसका प्रेस नोट नहीं रिलीज कर दे तब तक हम आपको किसी भी तरीके की ऑफिशियल जानकारी नहीं दे सकते। लेकिन क्योंकि मैंने उनसे यही बात करी कि अगर आप अगर नहीं बताएंगे तो हो सकता है किसी दूसरे प्लेन का नाम चल जाए, तो ऐसे में गलत खबर प्रसारित नहीं हो, तो कुछ उसके बाद उन्होंने MiG-21 का एक बताने के बाद और पायलट से इस तरीके की कुछ जानकारी जो निकल के आई है वो यही आई है सूत्रों के हवाले से कि जो प्लेन है उसका जो है फाइटर प्लेन। बहुत बड़ी जानकारी आपने साझा करी भूपेश, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरों को देख के समझिए कितना खतरनाक ये हो सकता था, लेकिन पायलट ने सूझबूझ दिखाई। और आबादी वाला इलाका नहीं है ये, सुनसान इलाका था जहां पर ये हादसा हुआ। और गनीमत रही कि रात का वक्त था और पायलट ने भी अपनी जान बचा ली। स्थिति कैसी है थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा। बाड़मेर में उतरलाई एयरबेस के पास में फाइटर प्लेन क्रैश हो गया। सूचना मिलने पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं। हर एक अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन वक्त हो गया एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहे प्रदेश का नंबर 1 चैनल जी राजस्थान। नमस्कार।